Mr. Ramdas Athwale, 2 minutes for you. 2 minutes? Yeah. 5-7 minutes? No, only 2 minutes. Please abide by that. Sir, the name was included later. Deputy Chairman has given only 2 minutes. सर, देश में आ रहा है अर्थव्यवस्था में अमन, क्योंकि मोदी सरकार में अर्थ मंत्री है निर्मला सीतारमण। हम काले धन पर करेंगे वार, हम काले धन पर करेंगे वार, हम खत्म करेंगे भ्रष्टाचार। 2024 में कांग्रेस की हो जाएगी हार, 2024 में कांग्रेस की हो जाएगी हार, पुनः आएगी मोदी सरकार। Is it? I mean, we for some time it is okay, but every time he speak, he takes the name of a particular political please, party. Please, Mr. Ramdas, and confine to, the bill, please. Confine to the bill. Don't rake up issues. Please. नहीं को कांग्रेस जाना निकाल दो, अपोजिशन हार जाएगी। Mr. Ramdas, no. Confine to the bill, please. नहीं तो मतलब हमें बंद करना है हमें दिवाला, बंद करना है हमें दिवाला, हमें नहीं चाहिए हवाला। 2014 के पहले तुम्हारा था रेरा, 2014 के पहले तुम्हारा था रेरा, लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने आपको घेरा। नहीं ठीक है, बिल भाई बिल में बोलूंगा ना। रेरा के संबंध में आपने बोला था तो हमको आपको क्रेडिट दे रहे कि भाई रेरा कानून जो है रेरा कानून is on a point of order, Mr. Ramdas. This is a point of order. Read the rule, please. Rule number 110, within legislative business, scope of debate, the discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submission of arguments, either in support of the bill or for the rejection of the bill. And what we are hearing, all kinds of things, except for a nuanced view on the bill. That's it, sir. Sir, all the time it was like that. Please, Ramdas, confine to the bill. Don't deviate. हाँ तो मैं भी बिल पर वाज गोइंग वेरी वेल। हाँ आपका तरीका अपना अब इसीलिए मतलब दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शन जो कोर्ट बिल है संशोधन बिल है तो जो भी मतलब अपने देश में कंपनियां बंद होती है कंपनियां बंद होने के बाद मतलब एम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है और इसीलिए मतलब ये बिल निर्मला जी ने लाया है और हमारी सरकार जो है हमारी सरकार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है जो कंपनी अच्छी चलाना चाहते हैं अगर अच्छे कारणों से अगर वो कंपनी बंद है तो ऐसे एक कंपनी को जो मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो NCLT है उनके माध्यम से उनको मदद की जाती है 14 दिनों में उसको एग्जामिन किया जाता है और उसके बाद अगर कंपनी को वो इस NCLT को लगा कि कंपनी बंद होने के कारण सही है तो फिर उनको मतलब मदद करने के संबंध में मतलब 180 दिनों में मतलब उनको वो एग्जामिन किया जाता है और ये NCLT अगर उसके लिए मतलब पॉजिटिव है तो उसके लिए और भी 90 दिन बढ़ाए जाते हैं और उस कंपनी को मदद की जाती है तो इसीलिए मतलब ये जो बिल है ये बिल मतलब ऐसी कंपनियों को मदद करने के लिए बिल है लेकिन जो लोग फ्रॉड करते हैं जिस तरह नीरव मोदी जी ने मतलब इतना पैसा पंजाब नेशनल बैंक से लिया बैंक वाले जो होते हैं बैंक वालों ने गरीबों के लिए पैसा ना नहीं देते हैं लेकिन बड़े बड़े लोगों को ज़्यादा पैसा दे देते हैं और ऐसा भ्रष्टाचार करने वाले बहुत सारे बैंक वाले भी लोग हैं और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में भी लेकिन जो कंपनी अच्छी काम कर रही है जो मालिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का काम कर रहा है ऐसे मालिकों को मदद करने के लिए ये बिल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये बिल मतलब लाने का मौका मोदी सरकार को मिला है और आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मतलब हमारे बिल का समर्थन नहीं करती है लेकिन आज हमारे जयराम रमेश जो बहुत अच्छा बोल रहे थे वो भी अच्छा बोलते हैं और मैं जब अच्छा बोलता हूँ तो हंगामा करते हैं और इसीलिए मतलब ठीक बात है तो ये अच्छी बात है कि अच्छा बिल जब सरकार जब अच्छा बिल लाती है
तो एज ए अपोजिशन को कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन सब लोगों ने किया है, आपने भी किया है, मतलब आप तो हमारे अच्छे मित्र है, लेकिन क्यों हंगामा कर रहे हैं मुझे मालूम ना नहीं है। और इसीलिए जब मैं बोलता हूँ तो हंगामा कहीं कर रहे, तो मैं कोई कांग्रेस के विरोध में नहीं, मैं तो आपका मित्र ही था, मैं पहले के कई साल में आपके साथ ही मैं रहा हूँ, तीन बार मैं आपके साथ में चुनकर आया हूँ, इसलिए मतलब या कोई ये बात नहीं है तो ठीक बात है। तो इसलिए इस बिल का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी किया है, बाकी का अपोजिशन भी किया है, इसलिए उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह मतलब हमारे कानून जब हम अच्छे बनाएंगे तब हम आप सपोर्ट करते रहो, आप सपोर्ट करते रहोगे, जनता हमको सपोर्ट करते रहेगी, और दोबारा हम 2024 में और भी ज्यादा बिल कानून बनाने के लिए 2024 में पुनः मोदी सरकार आएगी, आप भी उधर रहेंगे, हम इधर रहेंगे। जय भीम जय भारत। नहीं ठीक है, थैंक यू। प्लीज प्लीज सुब्रमण्यम रेड्डी जी, प्लीज सलाम।